हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कहानी वीडियो में वॉइस ऐड कैसे करें, यानी कि जो कहानी वीडियो बना लेते हैं लिखने वाली, तो उसमें आवाज़ कैसे डालते हैं, यानी कि जो अपन जो लिख लेते हैं वो चलता भी रहे और परफेक्ट वो बोला भी जाए, इसी तरीके का वॉइस आवाज़ कैसे डालते हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से स्टोरी वीडियो या कहानी वीडियो में वॉइस डालते हैं, यानी कि आवाज़ डाली जाती है। तो चलिए चलते डिस्प्ले पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पर अभी शो हो जाएगी एक कहानी, जैसे कि देख सकते हैं मैंने लिख कर रख ली है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से लिख कर रखने के बाद ये क्या ऊपर की ओर चलेगी, जैसे कि चलिए मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अभी इसमें क्या वॉइस नहीं है, तो किस तरीके से इसमें वॉइस दें ताकि ये चलता भी रहे सही समय पर, और सही समय पर जो जितना चल रहा है उतना ही उसमें आवाज़ भी आती रहे, यानी कि बोलता भी रहे। इसे कहते हैं कि वॉइस आवाज़ कैसे दें। तो चलिए आपको सिखाते हैं किस तरीके से कहानी वीडियो में या स्टोरी वीडियो में वॉइस डाली जाती है। तो देख सकते हैं वॉइस डालने के लिए इतना कुछ आपने लिख लिया है, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब इसमें देते हैं वॉइस। तो आपको काइन मास्टर में ही देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक माइक मिलेगा रिकॉर्ड, तो इसी रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं और जो कुछ ये लिखा आएगा वो हम बोलते जाएंगे, तो इसी तरीके से वॉइस आवाज़ उसमें पहुँच जाएगी। तो देख सकते हैं चलिए यहाँ पर आप करते हैं रिकॉर्ड पर क्लिक। तो रिकॉर्ड पर क्लिक के बाद तो देख सकते हैं यहाँ पर चलिए ओके पर क्लिक कर देते हैं और इसमें जो लिखा आ रहा है वो हम पढ़ लेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या वॉइस डाल दिए। अब चलिए मैं वॉइस आपको यहाँ पर सुना देता हूँ। ओके, किस तरीके से आवाज़ डाली, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने, अब चलिए इसको प्ले करके दिखा देते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह जब भी व्यापार करने जाता तो अपना सारा सामान गधे पर लाद कर खुद पैदल जाता था। व्यापारी को धीरे धीरे तो देख सकते एकदम परफेक्टली जो जितना लिखा जा रहा है ओके चल रहा है उतना ही बोला जा रहा है, तो इसी तरीके से वॉइस देते। ओके, तो अब देख सकते यहाँ पर क्या, चलिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाल देते ताकि ये बहुत अच्छा लगने लगा, तो अच्छा लगने लगे। तो देख सकते यहाँ पर करना ऑडियो पर क्लिक। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी फोल्डर आ जाएंगे जो कि आप में भी होंगे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर म्यूजिक ऐड कर लेना। जैसे कि मैं ये वाला म्यूजिक ऐड करने वाला हूँ, तो इसी म्यूजिक पर एक बार करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद प्लस वाले पर कर देंगे क्लिक, तो देख सकते हैं ये वाला म्यूजिक यहाँ पर आ गया। अब चलिए फिर से मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव। अभी देख सकते हैं अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, ये अपनी जो क्या बैकग्राउंड म्यूजिक है इसकी आवाज़ ज़्यादा है और जो बोल रहा है वो बहुत कम है, तो इसको 100% से 50% कर देंगे। तो ये वाली ऐड किया है बैकग्राउंड म्यूजिक, तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मिक्सर पर क्लिक करेंगे। मिक्सर पर क्लिक करने के बाद इसको 100% से 50% या और कम कर सकते हो 30%। ओके, चलिए इतना कुछ करने के बाद अब चलिए प्ले करते हैं। गाँव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह जब भी व्यापार करने जाता तो अपना सारा सामान गधे पर ला। तो देख सकते एकदम परफेक्टली अपना कहानी वीडियो बन चुका है, स्टोरी वीडियो बन चुका है, तो इसी तरीके से स्टोरी वीडियो बनाया जाता। अगर आपको इस तरीके से लिखना भी नहीं आता तो हमारे काफ़ी सारे वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं, या आपको वीडियो के लास्ट में लगा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख लेना, या आपको ऊपर की ओर यहाँ पर आता है तो वहाँ पर मैं लगा दूंगा जिसे बोलते आई कार्ड, तो वहाँ पर भी एकदम शो होगा, वहाँ से भी आप प्ले करके और ये लिखना सीख जाओगे। ओके, तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बताना और अच्छे तरीके से आपको सरल तरीके से समझाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।